Hi. What's up? What's up? How are you? जी आर यू रनिंग गिरीश जानना चाहते हैं आपसे कि आप जहाँ भी जाते हैं प्रमोशन के लिए जाते हैं या सोचते हैं वहाँ जा रहे हो प्रमोशन हो ही जाएगी? देखिए अभी मैं तो नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल आदमी घूमता है वैसे घूमता हूँ, लेकिन अभी मेरी फिल्म आ रही है तो इट्स काइंड ऑफ दोनों हो रहा है और आई एम जस्ट हैप्पी टू इंटरेक्ट विद फैंस विद पीपल. आई लव गोइंग आउट एंड इवन दो आई एम अ सेलिब्रिटी नाउ आई बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन एंड आई ट्राई डूइंग द थिंग्स अ नॉर्मल पर्सन डू. मैं पानीपुरी भी खाने जाता हूँ, शॉपिंग भी करने जाता हूँ, कॉफी पीने भी आता हूँ. इट्स जस्ट बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू मीट सम ब्यूटीफुल पीपल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑन वैलेंटाइंस डे एंड थैंक्स टू FCUK एंड लव पॉली फॉर हैविंग अस एंड ऑल्सो इट टाइज अप वेरी ब्यूटिफुली with my movie Love Shuda, it's all about love and celebrating on Valentine's Day is just a bonus. I think dekhiye you can never get enough of romance. I think romance is in the air especially this season and main to believe karta hu ki love 365 days 24 hours rehna chahiye aur no I think people generally the way they feel happy and they feel that I connect to them on a, you know, normal level and like a normal guy, which I really try and hard to work at it. Or yeah, I think movie romantic ho agar usme bhi lekin depth ho aur alag alag kism ki romantic film ho to wo chalti hai. Aur Love Shuda aisi kuch ek film hai, ek bahut hi young aaj ki 2016 ki youth ki film hai, bahut energetic young film hai aur I'm hoping on the 19th of Feb people get to see it, they will love it. जी 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 देखो अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मैं 5 साल का था तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, मुझे वैलेंटाइंस याद नहीं है, उसका बर्थडे याद है. उसने मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया था, मैं तो अभी बहुत नाइव था, मुझे कुछ समझ थी नहीं. तो जैसे वो अपना केक काट रही थी, मुझे देख के काट रही थी, मुझे लग रहा था ये क्या कर रही है लड़की. उसके बाद मैं उसको अभी मिला नहीं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेमोरी है मेरे दिमाग में. बट देन देयर हैव बीन हियर एंड देयर, एवरी वैलेंटाइंस डे इज द न्यू वन, इफ यू नो व्हाट आई मीन. जैसी कहानी आपकी फिल्म की है लव शुदा की, ऐसे इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? आई डोंट थिंक आई कैन शेयर देम ऑन टीवी, बट ऐसे कुछ कुछ इवेंट्स कुछ कुछ हुए हैं और लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट. नहीं, अक्सर तो लड़के मुझे कुछ कहती है, मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ और कुछ कुछ खो के कुछ कुछ हो जाता है, फिर हम अलग हो जाते हैं. तो कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे जी. आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आई थिंक जो रियल लाइफ होती है वो रियल लाइफ से इंस्पायर जरूर होती है. आई थिंक इसमें बहुत सारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे डायरेक्टर वैभव मिश्रा का है. आई थिंक ही हैज हैड अ लॉट ऑफ फन इन हिज यूथ, बट अभी शादीशुदा हो गए हैं, उनको बेटी भी अभी हुई है, तो आई एम नॉट गोना से मच मोर टू हिम. एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ऑडियंसिस को फिल्म बहुत पसंद आए और बहुत ही गहराई तक उसके इनके दिल को छू जाए और बस सबको लवशुदा कर दें हम. You know, I've always had a crush on Aishwarya Rai, and she was this, I remember we were making a film with her, Albela, with and I'd, actually there was उस दिन बहुत बारिश पड़ी थी और मतलब knee level तक पानी आ चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, मैं निकला अपने घर से, गाड़ी डुबा दबा के बोर्ड बना के गाड़ी को, मेरे अंकल के घर पे शूट हो रही थी, तो आई वेंट देयर, आई मेट हर एंड आई वाज लाइक जस्ट सो awestruck, आई कांट फॉरगेट दैट मेमोरी. आप बॉलीवुड में नए हैं और आपको बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है, बहुत सारी चीजें आपको आती भी है जी. आने वाला यूथ आपको फॉलो करे, आप किसको फॉलो करते हैं जो हमारे मेल एक्टर से आज के जी? जी मैं फॉलो नहीं करता हूँ किसी को, लेकिन हाँ मैं खुद फैन हूँ आमिर खान, सॉरी ऋतिक रोशन एंड सलमान सर का, और आई थिंक दे आर जस्ट वंडरफुल. एंड बाकी सब जो भी अच्छा काम करते हैं, जैसे आमिर सर है, शाहरुख सर है और सो मेनी अदर्स, इवन रणवीर वरुण, दे ऑल डू सच ब्यूटिफुल अमेजिंग वर्क. तो आई रियली थिंक दे ऑल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी शुड जस्ट कीप पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ सिनेमा, और जितना अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी फिल्म कर सकते हैं, करने की कोशिश करें. नहीं मतलब ये जो जो सलमान खान सर और जो ऋतिक सर हैं, दोनों इतने बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, आई हैव नॉट एक्चुअली मेट देम एंड लर्न्ड,
इट्स लाइक आप उनको देख देख के दे लाइक टेक्स्ट बुक फॉर एक्टर्स लाइक मी. आप उनको देख सकते हो, आप उनसे उनके जो आप कैसे सीन्स को अप्रोच करते हैं, अपने अपना काम कैसे करते हैं, यू हेयर स्टोरीज बिकॉज यू आर फ्रॉम द फटर्निटी, यू हेयर स्टोरीज कैसे मेहनत करते हैं, तो खाली आपको इंस्पायर करते हैं, तो आप वैसे आप उनसे सीखते हो. यू नो यू डोंट हैव टू बी really interacting with them to learn a lot more. You can just see their work and learn a lot. So वैसे बहुत सीखा हूँ, बहुत. माई माई रियल मदर. आई थिंक मैं आज जो कुछ भी हूँ इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर प्रेयर्स. मतलब मैं आज जो हूँ, मैं कल जो हूँगा या कल नहीं, जो भी मतलब मेरे लाइफ में आउटकम होगा, आई ओ इट ऑल टू हर एंड माई फादर. इट्स देयर प्रेयर्स एंड देयर गुड विल और कर्मा और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, दैट्स जस्ट मुझे बस ब्लेसिंग में मिल गया इन टर्न. एंड आई हैव जस्ट बीन सो ग्रेटफुल एंड सो आई थैंक गॉड एवरी डे दैट आई वॉज बॉर्न इन दिस काइंड ऑफ हाउस विद सच लविंग पेरेंट्स एंड सच. और मेरी अपब्रिंगिंग बहुत स्पिरिचुअल हुई इन अ वे, तो दे हैव गिवन दैट ऑल्सो ऑन टू मी. और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ये इट विल टेक मी मोर देन वन लाइफ टू गिव इट बैक. इज नॉट आई कॉन्ट से मोर देन दैट. आई जस्ट लव माई पेरेंट्स टू मच. हाँ बहुत बहुत, मैं बहुत शरारती था, मुझे बहुत नहीं. मेरे डैड ने मुझे एक्चुअली सिर्फ एक बार हाथ उठाया, वो भी देन ही वाज लाइक वेरी अपोलोजेटिक. बट मेरी मॉम तो कंटिन्यूस बीट. आई वाज अ वेरी नॉटी किड, आई वाज डेनिस द मेनेस एक्चुअली. तो बट आई मीन देन शी आल्सो काम डाउन एंड आई मैं भी थोड़ा सुधर गया. बट मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, बहुत मेरे को बहुत डांट पड़ती थी, मार वाट पड़ती थी. बट इट्स ऑल ओके, बचपन में होता है, इट्स ओके. जी 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 नहीं, परिवारवाद तो हर बेटे डॉक्टर बनते हैं, वो सिफारिश करते हैं, वो हर फील्ड में है. टीचर्स की भी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में भी गवर्नमेंट के सन्स उनको सिफारिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो मुझे लगता है ये दिस इज लाइफ. ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा, अल्टीमेटली आपका काम मैटर करता है. मैं हमेशा अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी ला के दी जहाँ पे मैं एक अपनी कला, अपनी अपने जो फिल्म मेक जो सिनेमा है उसको मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकूँ. और अल्टीमेटली मुझे लगता है अगर मैं जब 4-5 फिल्म जो भी ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ चेंज हो रहा है, तो लोग कहेंगे कि ये ही डिजर्व टू बी हियर. तो बस यही कोशिश है कि आप हमेशा अपना काम करते रहो, काम करते करते आगे बढ़ो. आप अच्छा काम करोगे, लोग आपको आपके काम से पसंद करेंगे, आपको आपके नेचर से पसंद करेंगे. बस यही उम्मीद रहती है और कुछ नहीं. बस जी हाँ, प्रोजेक्ट्स तो हैं और बहुत एक्साइटिंग भी हैं. और अभी तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इट्स ऑल अंडर रैप्स. बट समथिंग वेरी एक्साइटिंग इज हैपनिंग एंड टू ऑल पीपल आउट देयर. My movie Lakshada is coming out and would love to have you guys see my movie and would love all the love you can give. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.